हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल व्हिच इज़ लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बीएचयू का एंट्रेंस भरा है, बीएचयू यूजीटी या पीजीटी, उनके बारे में है। उनके लिए, उन स्टूडेंट के लिए एक सुनहरा मौका है काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने दिया है कि अगर वो लॉकडाउन की वजह से कहीं घर पर चले गए हों, दूर चले गए हों, तो सेंटर का नया चयन कर सकते हैं एंट्रेंस के लिए। क्योंकि इस समय कोरोना की बीमारी देखते हुए आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है, तो वो चाहें तो सेंटर अपने नज़दीक कहीं 200 किलोमीटर के आसपास रख सकते हैं। अगर वो कहीं दूर चले गए हों तो एक नया सेंटर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सूचना है, ये हम पढ़ देते हैं। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा जुलाई 2020 हेतु प्रथम वरीयता वाले परीक्षा केंद्र में परिवर्तन। तो जो आप नया विकल्प देंगे उसको फर्स्ट चॉइस माना जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अखिल भारतीय स्तर द्वारा आयोजित यूईटी पीजीटी 2020 प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 12 मार्च 2020 को समाप्त हो गई थी। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा माह अप्रैल निर्धारित की गई थी। कोविड-19 के कारण 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आवेदकों से 5 परीक्षा केंद्र का विकल्प दिया गया था, या 200 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अन्य केंद्र पर आवंटित करने हेतु परीक्षा केंद्र चॉइस किया गया था। अब अगर वो अपने स्थान से चले गए हों, कहीं घरों को अगर चले गए हों, तो उनके लिए एक मौका है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरीका है जहाँ से हम कर सकते हैं। सभी आवेदक को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके प्रवेश परीक्षा पोर्टल www.bhuonline.in पर लॉगिन करना है, आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके। उसके पश्चात सेंटर चेंज आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद ड्रॉप डाउन में टेस्ट शहरों की सूची में से आवेदक को एक ऐसे शहर का चयन करना है जो वर्तमान निवास के पास है, उसके लिए परीक्षा प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सुविधाजनक है। इस तरह से चयनित टेस्ट सिटी को आवेदक द्वारा आवेदित सभी पाठ्यक्रमों के लिए उस आवेदक की प्रथम वरीयता टेस्ट सिटी माना जाएगा। तो अभी जो नया चॉइस आप देंगे उसे पहली वरीयता माना जाएगा। केंद्र में परिवर्तन का अनुरोध उपरोक्त तरीके से विश्वविद्यालय को 20 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए, 20 जून तक। इस तिथि के बाद अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो जिन्हें भी चेंज करना हो वो 20 तक कर दें, अन्यथा उन्हें उसी क्रम में करना होगा टेस्ट की तैयारी। पिछले एंट्रेंस की जगह ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो पिछला आपने चॉइस किया होगा पहला। यदि चयनित शहर में परीक्षा संसाधन मौजूद नहीं है तो आवेदक को उसके द्वारा चयनित शहर में 200 किलोमीटर के दायरे में किसी दूसरे शहर में समायोजित करना सुनिश्चित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन केवल एक ही बार किया जाएगा और एक बार किया गया परिवर्तन ही अंतिम होगा। तो ये एक सुनहरा मौका है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कोरोना की वजह से कहीं दूर घर पे निकल गए हैं, वो अपने घर के आसपास कहीं पे अपना नया सेंटर बना सकते हैं और यही उनका एग्ज़ाम सेंटर होगा एंट्रेंस के लिए, चाहे वो पीटी का हो या यूईटी का हो। और जुलाई और अगस्त के आसपास एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।